पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है, लेकिन यूरोप अमेरिका में कोई छोटा मोटा हमला हो तो वो पूरी दुनिया में एक बड़ी खबर बनती है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का शिकार सिर्फ यूरोप या अमेरिकन देश नहीं है, बल्कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि इस्लामिक आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित है। लेकिन हैरानी यह है कि वो दरअसल खबरों का हिस्सा नहीं होता। ताजा मामला मोजाम्बिक का है। मोजाम्बिक एक साउथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। दरअसल वहां पर ये एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है। गरीब है जरूर है, लेकिन वहां के खनिज पदार्थों से या फिर जो ऑयल संबंधी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उससे बड़ा रिच है, लिहाजा तमाम वेस्टर्न कंट्रीज की नजर वहां पर रहती है। लेकिन मोजाम्बिक इस्लामिक आतंकवाद का एक बड़ा शिकार है, खासतौर पर 2017 के बाद से। मोजाम्बिक की बात हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल बीते शुक्रवार को इस्लामिक स्टेट, आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रोविंस में ऐसा नरसंहार किया कि जिसको देखकर पूरी दुनिया में हल्ला मचना चाहिए। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने 50 से ज्यादा लोगों को एक फुटबॉल में, एक गांव में, एक फुटबॉल फील्ड में इकट्ठा किया और उनका सर कलम कर दिया। वो यही नहीं रुके, सर कलम के बाद, कलम करने के बाद उन्होंने जो शरीर है उसके टुकड़े टुकड़े किए, उसके बाद पूरे गांव को जलाया और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए फरार हो गए। 50 से ज्यादा लोगों को उनका सर कलम किया जाता है, पूरे गांव को जला दिया जाता है इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा और दुनिया को खबर तक नहीं होती। इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है? दरअसल मोजाम्बिक के नॉर्थ में जो प्रोविंस है काबो डेलगाडो, ये 2017 के बाद से ही इस्लामिक स्टेट आतंकियों के से प्रभावित है। वहां पर लगातार अक्सर हमले होते रहते हैं। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं इस्लामिक स्टेट कर चुका है। 430,000 से ज्यादा लोग इस प्रोविंस से विस्थापित हो चुके हैं। ताजा मामले में शुक्रवार को पहले इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने नानजाबो गांव में हमला किया। वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उन्होंने 10 से ज्यादा लोगों की हत्या की। इसके बाद वो मुआटाइड नाम के गांव में जाते हैं जहां पर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। उसमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं और उसको फुटबॉल फील्ड में ले जाकर उनका एक एक करके सर कलम कर देते हैं। इसके बाद पूरे गांव में आग लगा दी जाती है। लेकिन हैरानी देखिए, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी पूरी दुनिया में कहीं भी इसकी खबर दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों है? ऐसा पहली बार नहीं है। साल 2020 में ही अप्रैल महीने में काबो डेलगाडो प्रोविंस में ही एक गांव में, इस्लामिक स्टेट में, वहां भी 50 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। उसके बाद भी लगातार हमले होते रहे, तब भी कोई हंगामा नहीं हुआ। एक बार फिर से 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है, तब भी कोई खबर नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये मोजाम्बिक जो देश है, ये दरअसल क्रिश्चियन मेजोरिटी है, इसमें मात्र 18% मुस्लिम है। हालांकि जो काबो डेलगाडो नॉर्दर्न प्रोविंस है, यहां पर मुस्लिम्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है और यहीं पर इस्लामिक स्टेट आज उसका, इस्लामिक स्टेट का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है। हालत यह है कि लगातार वो हत्याएं करते हैं, खुलेआम घूमते हैं और कोई कार्रवाई मोजाम्बिक सरकार नहीं कर पाती। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अफ्रीकन कंट्रीज में इस्लामिक आतंकवाद से होने वाली हत्याओं की खबरें दुनिया में नहीं आती? आखिर दुनिया उस पर चुप क्यों रहती है? क्या सिर्फ इसलिए कि इस्लामोफोबिया का दाग लग जाएगा, या फिर इसलिए कि अफ्रीकन्स की जिंदगी कोई कीमत नहीं है? बहरहाल अफ्रीका के लोगों की नरसंहार पर अगर चुप रहे तो एक दिन आग आपके घर तक जरूर पहुंचेगी, और वो पहुंच रही है। यूरोप हमेशा चुप रहा, लेकिन आज आग उनके घर तक पहुंच चुकी है। आग जर्मनी में, आग प्राग में, आग स्वीडन में, आग फ्रांस में, आग आज यूरोप के हर एक देश में पहुंच चुकी है। लिहाजा कब तक चुप रहेंगे? बोको हराम पर बोलिए और मोजाम्बिक के इस्लामिक स्टेट पर बोलिए, तभी आपकी आने वाली नस्लें सलामत रह पाएंगी।